वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने टर्टल्स को विंटर में कैसे उनकी टेक केयर करें। सो आज मैं बेसिक सी टिप्स शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि हम अपने टर्टल्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं अगर विंटर आ रहे हैं, ताकि वो हेल्दी बने रहें और एक्टिव बने रहें। सो प्रॉब्लम मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि हाँ कि यही ऐसे ही हो सकता है, आप लोगों को मेरे से कुछ अच्छा पता हो, बट मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग अपने टर्टल्स को विंटर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे कि वो इजीली विंटर्स को सरवाइव कर जाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज ए हाइबरनेशन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया में अगर आप एज अ टर्टल्स को एज अ पेट रख रहे हो तो हाइबरनेशन जैसी चीज़ एग्जैक्टली उस लेवल तक पहुँचती नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इतना ठंडा रहता नहीं है, तो वो हाइबरनेशन की इतना कुछ कॉन्सेप्ट आता नहीं इंडिया में, तो आप उस चीज़ की मतलब चिंता ना करें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो बेसिक्स चीज़ें कुछ कुछ जो विंटर में आप चेंजेस नोटिस करते हो, वो क्या नोटिस मतलब क्या चेंजेस होते हैं जो आप नोटिस करते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि देखो, मैं आपको बता दूं कि जब भी पानी ठंडा होने लगता है तो क्या होता है कि इनकी मूवमेंट कम होने लगती है, बिकॉज अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्टल्स एक अपने कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं अपनी मूवमेंट को कम कर देते हैं ताकि जितनी उनकी बॉडी की हीट है उसको कंजर्व कर पाएँ, उसको बचा के रखें। इसलिए इनकी सर्दियों के टाइम का मूवमेंट कम हो जाता है और थोड़े लेजी से लगने लगते हैं, राइट, अगर आपने एक्वेरियमीटर नहीं लगा रखा और ये लेजी होने लगते हैं। प्लस ये लोग इनका और प्लस एक और चीज़ क्या होती है कि विंटर के टाइम अगर आप इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हैं या आपके पास यूवीबी लाइट नहीं है, तो इनका मेटाबॉलिज्म जो काफ़ी एक्टिव रहता है थ्रू विटामिन डी जो सनलाइट या यूवीबी लाइट से मिलता है, तो इनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी मतलब स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग तो खाना भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब हम इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड करें, तो मैं आपको बहुत बेसिक से तीन चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इजी हैं और बहुत क्रूशल भी हैं। सो सबसे पहले विंटर में क्या होता है कि जैसे ही विंटर आए तो आपके तो आपको क्या करना है कि टर्टल्स का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको ऐसे करना है, ठीक है। आधे लोग बोलते हैं कि हमने यूवीबी लाइट लगा दी है, इफ़ दैट इज़ इनफ, नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ वो बाहर आके अपने को बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो आते हैं और यूवीबी लाइट लेते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म और अपनी ग्रोथ और बोन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वो यूवीबी लाइट है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो एक तो मस्ट हो जाता है कि अगर आप विंटर में हैं तो यूवीबी लाइट को आप इंस्टॉल करें, और प्लस मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सर्दियों के टाइम वीकली ट्वाइस इनको अगर सनलाइट दिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उन जो नेचुरल सनलाइट की बात है वो कोई भी चाहे कितनी भी सस्ती या महंगी यूवीवी लाइट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट सनलाइट सनलाइट होती है, तो आप वो ट्राई करें, और यूवीवी लाइट मस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यूवीवी लाइट मस्ट रखें, प्लस अगर आपको अपने बजट के इश्यूज हैं या कुछ हैं, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड, एंड इनफैक्ट आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू एवरीवन की बिकॉज आई नो कि काफ़ी लोग हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई छोटे हैं, सब अपने हिसाब से इनको शौक होता है वो करते हैं, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं सपोर्ट कर रहा कि हाँ आप लाओ और कैसे भी कोने में डाल दो, बट गाइज डू नॉट क्रिटिसाइज अदर पीपल कि अरे तूने कैसा सेटअप कराया, तेरे ये नहीं होता वो नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ बींग डिसरिस्पेक्टफुल आप थोड़ा उनको सजेशन दे दो कि ठीक है आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं, और आप आगे जाके कोशिश करो कि अगर आप कर पाओ तो धीरे धीरे आप अपग्रेड करते रहो, बट डू नॉट क्रिटिसाइज एंड मतलब सपोर्ट करो, इट्स आर स्मॉल टर्टल कम्युनिटी, नहीं उसको पता है तो बता दो कि आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह मत करिए, इनके लिए अच्छा नहीं होता, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ किसी को ह्यूमिलेट करो आप। सो एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से, मुझे लगा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम इन सब में देखता हूँ कि कोई कुछ अपनी पिक्चर शेयर करेगा, तो रादर देन अप्रिशिएटिंग और टेलिंग देम लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, सो वो ना करें। तो सबसे पहले तो हो गया कि आप लाइट लगा लें, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक्वेरियम हीटर लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो आपके एक्वेरियम के पानी को और उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल से कि अगर विंटर्स आ रहे हैं तो यूवीवी लाइट तो एनीवेज आप हर लोग लगाते हैं क्योंकि पता है कि वो रिक्वायर्ड है, आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन एक्वेरियम हीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा जैसे कि साउथ रीजन हो गया, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड होगा क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर ओके ओके ही रहता है, इतनी ठंड नहीं पड़ती है, बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड, इफ यू वांट टू यू कैन बाय इट एंड पुट इट इन योर एक्वेरियम,
बट जैसे कि नॉर्थ के रीजन हो गए अपना, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, जो बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ने लगती है, और इनफैक्ट ईस्ट में भी जो बहुत ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्वेरियम हीटर लगा लें। अब इन एक्वेरियम हीटर में भी अगेन आपको बता दूं, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। और आजकल बहुत सारे एक्वेरियम हीटर आ रहे हैं जो अब सब ऑटोमेटिक हैं, आपको उनको बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वाटर टेम्परेचर को देख के अपने आप स्विच ऑफ स्विच ऑन होता रहेगा टू मेंटेन द टेम्परेचर। एंड एक और चीज़ बता दूँ, मैं अपने सारे लिंक में डाल दूंगा कि सबके कि कितने, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने देखा कि आपके जो एक्वेरियम वाटर हीटर्स आते हैं वो एक 75 वॉट से स्टार्ट होता है, फिर 100 वॉट है, फिर आई गेस 200 है, 300 वॉट है, मेरे पास 300 वॉट है। तो वो अपने वॉट्स और अपने बजट के हिसाब से आपके टैंक का साइज़ जितना बड़ा है उतना ज़्यादा वॉट्स का लोगे बढ़िया है, ताकि क्योंकि पानी को उतना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, जो साउथ रीजन है वहाँ पर आप इजीली आप 24 से 25 का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, उतना बहुत है टू कीप देयर मेटाबॉलिज्म एंड देयर एक्टिवनेस अलाइव, तो वो उतना। बट अगर जो आप, मैं बता, दिल्ली, जम्मू और ये वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, और स्पेशली आप रियलाइज़ करोगे कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि वो रहते रहते, तो वहाँ पर आप 25 से 28 के बीच में आप कोई भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और एंड प्रॉब्ली यू टेक योर कॉल, आप चेक करो कि अच्छा ठीक है मैंने इतना टेम्परेचर रखा हुआ है तो पानी इतना मेंटेन रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा या ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर बट आइडियली आप 25 रख सकते हैं, 26 रखते हैं, और जहाँ ज़्यादा ठंडा है वहाँ 28 तक अपने टेम्परेचर को ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि टर्टल के टेम्परेचर ईजिली बना रहेगा, वो एक्टिव रहेगा और वो खाना खाता रहेगा। बिकॉज बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका सर्दियों में उनका टर्टल खाना खाना बंद कर दे रहा है, तो वो यही रीज़न होता है क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी को ठंडे पानी के टाइम अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एक सेकंड मैं इसको रख देता हूँ, मैं परेशान हो रहा है। तो वो अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं क्योंकि अपने बॉडी की हीट के कंजर्व करने के लिए। तो अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो ऑफकोर्स उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं और वो उतना ही एक्टिव रहेगा और वो खाना खाता रहेगा। तो दूसरी चीज़ हो गई कि आपने अपना एक्वेरियम हीटर लगा लिया। एंड तीसरा, विंटर्स के टाइम में इनका एक जो डाइट है उसमें प्लीज़ आप एक बैलेंस डाइट ऑफ प्रोटीन और विटामिन ए, विटामिन ए का मैंने कितनी बार आपको बताया कि एक इट्स काइंड ऑफ अमृत फॉर देम, बहुत बहुत यूजफुल होता है उनको, काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है और सारी सिकनेस से दूर रखता है। और तो जब आप इनकी डाइट बना रहे हो तो डाइट में इनका प्रोटीन तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है, जो एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। प्रोटीन में तो आप यही जो अपना रेगुलर पैलेट्स है जो ये खिला सकते हो, ये प्रोटीन और विटामिन इसमें भरा हुआ है। प्लस आप जो वेजिटेबल्स अगर आप कोशिश कर रहे हैं, प्लस डोंट वरी कि आपका वेजिटेबल नहीं खा रहा है, तो क्योंकि इनफैक्ट मेरे वीडियो देखने के बाद लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमने ट्राई कर रहे हैं वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इमीडिएट नहीं खाएगा, बिकॉज अगर आप छोटे से कुछ और खिला रहे थे तो वो इमीडिएट नहीं खाएगा। बट आप ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे एक टाइम का पैलेट्स बंद कर दें और सिर्फ वेजिटेबल ऑफर करें। जब धीरे धीरे उसको लगेगा कि बार बार ये चीज़ आ रही है खाने के टाइम पे बट नहीं खा रहा, और प्लस फिर उसको एक टाइम ऐसा होगा कि उसको भूख लगेगी और वो ट्राई करेगा ही करेगा। तो आप इट्स ऑलवेज ऑलवेज ऑन द पेशेंस एंड हाउ यू मतलब कीप ट्राइंग, बस वही है, इसमें कोई एक थम रूल नहीं होता ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये जस्ट आप कितना ट्राई कर रहे हैं और आप किस तरह ट्राई कर रहे हैं और उनका बिहेवियर देख के आप किस तरह उनको ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिकली यही तीन चीज़ें थी, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि इस पर वीडियो बनाइए, और मुझे तो मैं जब अपना देखता हूँ प्लस मैंने थोड़ा बहुत देखा इधर, तो यही है कि बहुत हवा बना रखा है कि अरे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देम। बहुत सिंपल है, आप यूवीवी लाइट या सनलाइट रोज दें उनको। दूसरा, एक्वेरियम हीटर डाल दो, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज पानी का टेम्परेचर बना हुआ है तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया। और तीसरा, उनका डाइट पे आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा विटामिन ए और प्रोटीन का एक बैलेंस डाइट रखें ताकि वो खा के हेल्दी भी बने रहें। इनफैक्ट अगर स्टिल वो क्या बोलते हैं उतना नहीं खा रहे तो डोंट वरी, बिकॉज वो होता क्या है कि हालांकि नहीं होगा, जब अगर आपने अपने पानी का टेम्परेचर अगर ओके ओके कर लिया है या एक्वेरियम हीटर लगा दिया तो वो नॉर्मल खाता रहेगा। बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि जैसे नॉर्थ साइड में अगर वो बाहर आके बैठा हुआ है, पानी के बाहर काफ़ी देर था और ना यूवी लाइट साइड में भी नहीं था बट ओपन एरिया में बैठा, तो उसको ठंड सी लग जाती है और वो थोड़ा लेजी हो जाता है, तो वो अपने मूवमेंट को स्लो करता है और खाना कभी कभी डिनाई करता है। तो डोंट वरी, बट आप अगर आप पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो आपका टर्टल एक्टिव रहेगा और खाना खाता रहेगा। बाकी चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने टर्टल
मैं एक हीटर लगा के जस्ट एक सेटअप दिखाना चाह रहा था कि अच्छा मैंने कुछ ऐसे लगाया हुआ है, हालांकि मुझे इतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो आइए चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने टर्टल्स कैसे रखे हुए हैं। तो गाइस ये है मेरा एक्वेरियम कॉर्नर जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट आपको दिखाता हूँ। जो आपको मैं बता रहा था कि अब आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपना हीटर लगाया। तो वेरी ऑनेस्टली बैंगलोर में आपको हीटर की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्ली जो भी आपके जितने भी आप क्या बोलते हो आपके जितना साउथ रीजन है वो इतना कोल्ड नहीं होता, तो वहाँ पर हीटर मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है। बट स्टिल अगर आप सेफर साइड में यूज़ करना चाहते हैं तो करें। आप वो एक हीटर देख सकते हैं, मैंने एक्चुअली आपको वीडियो में दिखाने के लिए लगाया। वैसे मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड नहीं है। एक टाइम पे बस कोई फिशेज के लिए यूज़ किया था बिकॉज वो कुछ बीमार थी, तो किसी ने रिकमेंड किया था कि हीटर लगा दो। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था क्योंकि मैंने एक आधी सेटअप देखे हैं जिसमें कि आप हीटर को आधा ऊपर रख देते हैं, आधा ऊपर निकला रहता है या उसका। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि वो हीटर पूरा अंदर रहे और बैक में कहीं लगा दो ताकि वो आराम से लगा रहे पीछे, क्योंकि टर्टल बार बार उसको। और हाँ, लोग काफ़ी लोगों का ये भी कंसर्न था कि क्या अगर हीटर लगाएंगे तो टर्टल जाके उससे बर्न ना हो जाए। तो एक्चुअली स्पेशली ये सारे जो हीटर्स होते हैं जो एक्वेरियम वाटर के, वो कुछ इस तरह डिज़ाइन करे जाते हैं कि जो उसका हीट होता है वो जैसे ही मतलब हीट पानी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो एक जगह इतना गर्म रहता नहीं है, तो वो ऐसा कोई बर्न का इशू नहीं है। एंड स्टिल वो अगर टच भी कर ले तो उससे बर्न नहीं होगा, हल्का सा हीट रहेगा बट वो उससे जलाएगा नहीं। और टर्टल या जो भी फिशेज होती है उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि वो चीज़ थोड़ी गर्म है तो वो वहाँ पर जाएंगे नहीं। तो आप चिंता ना करें कि वो कभी उसको छू भी लेगा तो टर्टल कभी बर्न नहीं खाएगा। तो आप बेसिकली ऐसे नीचे पूरा उसको कहीं भी लगा दें, तो जैसे कि मैंने यहाँ नीचे उसको फिल्टर के नीचे लगा हुआ है, तो आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं। और फिर प्लस बाकी तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय द वे अगर हाँ अगर आपने स्टिल अभी तक मेरा वीडियो नहीं चेकआउट किया है कि पानी इतना क्लियर कैसे रहता है, तो आप अभी ऊपर जो एक लिंक रिफ्रैक्ट हो रही होगी आप चेक कर सकते हैं कि हमने टर्टल के फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या नई और चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके हम उसको अच्छा बना सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया था कि ये है इसकी एल्गी। ये एल्गी का रीज़न इसलिए है कि ये रही लाइट, क्योंकि एल्गी आती है आपके तो उसको प्रॉपर लाइट चाहिए होती है जो उसको ऊपर से मिल रही है। दूसरा उसको एक फर्टिलाइज़र चाहिए होता है जो उसको टर्टल के वेस्ट से मिल रहा है, तो इसलिए हो रहा है। और मैं अभी अगर आप नई व्यूअर है तो आपको दोबारा बता दूं, मैं अभी इसको अवॉइड नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को इस लाइट के थ्रू अभी तीनों लोगों को सोर्स देना है, क्योंकि एक टर्टल उस नीचे अभी गया हुआ है। इनफैक्ट आप थोड़ा देख सकते हैं, हाँ बोरा प्लस इस एक ही लाइट से मैं तीन जगह बास्किंग लाइट जा रही है क्योंकि वो वाला टर्टल यहाँ पर आके बैठता है। मेरे सारे छोटे मासे अगर आप देख सकें ध्यान से, एक सेकेंड ट्राई करता हूँ, तो ये सारे मासे यहाँ आके बैठते हैं, इनको लाइट मिलती है, प्लस सबसे बड़ा वाला जाके यहाँ पे बैठता है। तो ये तीनों के लिए मैंने यहाँ पर अभी बनाया हुआ है। तो ये मेरा एक्वेरियम कॉर्नर है जहाँ पे ये सारे लगे हुए हैं। तो आप इस तरह हीटर लगा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो का पर्पज़ था। प्लस आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये मेरे सारे टर्टल्स हैं। तो और इनफैक्ट मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला टर्टल अब सीधा अभी कुछ एक दो महीने के अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको इसमें डालूँगा, इसके ऊपर एक बास्किंग एरिया बना के, और इन वालों को इस जो गैप है इस गैप में मैं एक एक्वेरियम ला रहा हूँ, इस गैप में एक एक्वेरियम रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं, हाँ तो ये वाला गैप है, इसमें एक एक्वेरियम बनाऊँगा जिसमें कोई फिश आएंगी, इसमें जाएगा टर्टल। ये वाला प्रॉब्ली ये वाला टर्टल मैं शिफ्ट कर दूँगा इस वाले एक्वेरियम में, इस वाले में। और जो ये हमारे जो सारे छोटे मासे हैं ये सब जाएंगे पॉन्ड के लिए। जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि ये सिर्फ अभी टेम्परेरीली यहाँ पर रखे गए हैं, पर ये सारे जाने पॉन्ड्स में। तो ये है मेरा जो पूरा टर्टल का कलेक्शन है और जैसे मैंने उनको रखा हुआ है। तो गाइज ये था हमारा वीडियो कि हम अपने टर्टल को विंटर में कैसे टेक केयर करें। तो इन शॉर्ट, यूवीवी लाइट या सनलाइट, एक्वेरियम हीटर इज मस्ट, और डाइट पे ध्यान रखें जो विटामिन ए और प्रोटीन से भरी हो। तो ये थी हमारा बस ये सिंपल सी चीज़ है, ये मेंटेन करिए आपका टर्टल हेल्दी रहेगा। एंड ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जितने मेरे टर्टल लवर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और आपके सपोर्ट की वजह से मैं हरदम कोशिश कर पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स लाते रहूँ मैं टर्टल्स के बारे में, और हम कुछ ना कुछ टर्टल्स के बारे में बात करते रहें। प्लस गाइज डू शेयर योर ऑल्सो एक्सपीरियंस विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। हम इंटरेक्ट काफ़ी लोगों से करते रहते हैं, प्लस मैं ट्राई करता हूँ
जो आप अपने कंसर्न लेके आते हैं मैं उनको एड्रेस कर सकूं या कुछ भी मैं छोटा सा भी आपकी हेल्प कर सकूं तो वो मैं करता हूं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे जितने न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल पे जो आए हुए हैं, आपको मैं बता दूं कि मैं कुछ इस तरह ही टर्टल्स, फिश एंड योर एक्वेरियम और मिनी पॉन्ड्स, कोई पॉन्ड और प्लस एक्वेरियम शॉप के टूर करता हूं, तो ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको ऐसे और भी कंटेंट देखने तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ये कंटेंट मिलता रहे, और प्लस प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और बाकी क्या बोलूँ, हाँ आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपनी टर्टल कम्युनिटी और जितना है सबको सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और मैं क्या बताऊँ आपको, हाँ ठीक है, अगर और कुछ है नहीं बोलने के लिए तो आप प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड डू कमेंट कि आपको और क्या देखना है, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।